हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं और आप पर्टिकुलरली अगर ट्रेडर हैं तो आपको अपने स्टॉक इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा अलर्ट रहना पड़ता है, काफ़ी स्टडी करना पड़ता है, मार्केट में चल रहे ट्रेंड्स के साथ फेमिलियर रहना पड़ता है। और मार्केट में अक्सर ही कहा जाता है कि ट्रेंड इज़ योर बेस्ट फ्रेंड, और हमें ट्रेंड्स के साथ अगर हम रहते हैं तो हमें डेफिनेटली एक अच्छा प्रॉफिट बनता है। जैसे कि अगर आपने रिसेंटली न्यूज़ में देखा हो कि अगर आपने डेफिनेटली ट्रैक भी करते होंगे कि इंडिया का जो रुपीज़ है, रुपया है, काफ़ी वीक हो रहा है। एक डॉलर के कंपैरिजन 70 रुपये के ऊपर इंडिया का रुपया जा चुका है। अगर आप हम इस चीज़ को थोड़ा और डिटेल में देखें तो डेफिनेटली अगर चीज़ कुछ कुछ इंसिडेंट या कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं मार्केट में, उसके पॉजिटिव और नेगेटिव साइड दोनों साइड इम्पैक्ट होते हैं। अगर हम पॉजिटिव देखें तो कमज़ोर रुपीज़ का डेफिनेटली बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ को, बहुत सारे सेक्टर्स को फ़ायदा भी हुआ है, और उसमें से जैसे वन ऑफ द मेन सेक्टर इज़ आईटी, और जिसके बारे में हमने आपको अवेयर भी किया था, टीसीएस। हमने आपको डिटेल में उसका बायबैक का वीडियो भी बना के दिया था। अगर आप देखें तो आप अगर आपने वो वीडियो देखा हो और देखने के बाद अगर आपने अपनी इन्वेस्टमेंट की होगी तो डेफिनेटली आपके 10-12% से ऊपर के रिटर्न्स बने होंगे, अगर उस वीडियो के टाइम से भी अगर मैं बोलूँ तो। तो सेम ऐसा एक और सेक्टर है फार्मा, जिसमें हमें लग रहा है कि डाउनसाइड अब इस सेक्टर में ज़्यादा नहीं है, अब अपसाइड ही मोस्टली हमें लग रहा है। फंडामेंटल्स हम इसमें अभी फिलहाल के लिए इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि डेफिनेटली आपका एक ओपिनियन हो सकता है कि अभी यूएसए में यूएस एफडीए की प्रॉब्लम पूरी तरह रिजॉल्व नहीं हुई है, बट मार्केट इस चीज़ को, उस इशू को ऑलरेडी प्राइस में फैक्टर इन कर चुकी है। अगर हम निफ्टी फार्मा के मंथली चार्ट्स पे देखें तो मंथली चार्ट पे सेक्टर एज अ होल अपना एक बॉटम बना चुका है, और अगर आप एमएसीडी आरएसआई इंडिकेटर पे देखें तो एक क्लियरली अपसाइड ट्रेंड विजिबल है। और डेफिनेटली जो सन फार्मा का अभी पॉजिटिव रिजल्ट्स है, उसने अपसाइड में काफ़ी बड़ा सपोर्ट किया। तो टेक्निकल चार्ट्स पे तो क्लियरली ये विजिबल है, और अगर हमें इस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करनी है तो हमें अपनी कैसी बेट्स, कौन कौन सी ऐसी कंपनीज है जिसमें हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो वो आज हम थोड़ा डिटेल में देखेंगे। अगर हम सेक्टर्स में पर्टिकुलरली जाएं तो हमें देखना पड़ेगा कि इस इंडेक्स में कौन कौन सी ऐसी कंपनीज है जिनका ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन है। तो जो लीडर है, जब कोई सेक्टर चलता है तो लीडर के साथ तो हमें रहना ही चाहिए, जो लीडर इसका जो कंपनी है उसमें हमारी इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। हम ये आपको रिकमेंड करेंगे, जैसे कि अगर आप इस इंडेक्स के पूरे एक्सपोजर देखें तो इस इंडेक्स का डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो सन फार्मा का जो इस इंडेक्स में पार्टिसिपेशन है ऑलमोस्ट 27%, एंड सन फार्मा इज आल्सो अ मार्केट लीडर इन द केस ऑफ फार्मास्यूटिकल्स। अगर आप सन फार्मा को भी मंथली चार्ट्स पे देखें तो एक क्लियर ब्रेकआउट आ चुका है, और अब ये स्टॉक हायर टॉप एंड लोअर बॉटम्स बनाते हुए ये कंपनीज अब अभी ऊपर की तरफ चलेंगी। अगर हम चाहे एमएसीडी पे देख लें, आरएसआई पे क्लियरली अपसाइड विजिबल है। अगर मैं डेली चार्ट्स पे देखूं तो ये स्टॉक अभी क्लोज हुआ है 623 के आसपास। एज अ डिस्क्लोजर, ये स्टॉक हमारे पोर्टफोलियो का भी पार्ट है। अगर मैं सेकंड और बड़ा इस इंडेक्स में देखूं तो सेकंड नंबर है सिप्ला का, जिसका इस सेक्टर में जो पार्टिसिपेशन है ऑलमोस्ट 14% है। और अगर हम सिप्ला को भी टेक्निकल चार्ट्स पे देखें तो इसमें अभी और अपसाइड इसमें भी स्कोप लग रहा है, बट क्योंकि यूएस एफडीए की प्रॉब्लम के कारण सबसे ज़्यादा कंपनीज वो इम्पैक्ट हुई थी जिनका यूएस में काफ़ी बड़ा एक्सपोजर था, इसमें वन ऑफ द इज सन फार्मा एंड सेकेंड इज लुपेन। और लुपेन को भी अगर आप टेक्निकल चार्ट्स पे देखें, रिजल्ट इनका अभी रिसेंटली वीक था, वी टोटली एग्री, हम उस चीज़ पे नहीं बोल रहे हैं, बिकॉज जब सेक्टर चलता है तो डेफिनेटली इनको भी उस चीज़ का बेनिफिट मिलेगा। और अगर हम मंथली चार्ट्स पे स्टॉक को भी देखें तो अभी क्लियर अपसाइड और जो ब्रेकआउट है विजिबल नहीं है, बट डेफिनेटली जब सेक्टर चलेगा ये स्टॉक भी इसमें भी रन आएगा। अगर डिस्क्लोजर, ये भी हमारे पोर्टफोलियो में है। और अगर आप डॉक्टर रेड्डीज़ की बात करें, जिसका पार्टिसिपेशन है ऑलमोस्ट 11%, तो डॉक्टर रेड्डीज़ को फॉर टाइम बीइंग हम नहीं बोलेंगे, क्योंकि इनका अभी भी कोर्ट केस चल रहा है यूएस में, तो इस स्टॉक से थोड़ा सा हम, क्योंकि और बहुत सारी अच्छी ऑप्शन ऑप्शंस हैं इस इंडेक्स में ही, तो देन वाई
डॉक्टर रेड्डीज। तो अगर हम उसके बाद जो नेक्स्ट बड़ा स्टॉक इस इंडेक्स में देखें तो वो है औरोबिंदो फार्मा। औरोबिंदो फार्मा इसमें भी अगर आप मंथली चार्ट्स पे देखें तो, और इसमें अपसाइड बनने का और भी स्कोप है डेली चार्ट्स पे भी देखें तो एज अ होल ये पूरा सेक्टर ही चलेगा। और अगर आप पिरामल एंटरप्राइजेस भी देखें तो पर्टिकुलरली वी सजेस्ट इन दिस पर्टिकुलर सेक्टर कि जिनको सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ था, जो सबसे ज़्यादा और जिनको USFDA की सबसे ज़्यादा मार पड़ी थी, वो कंपनीज ज़्यादा आपको बेटर परफॉर्म करके देंगी क्योंकि स्लोली स्लोली वो चीज़ें भी रिजॉल्व होंगी और करेंसी डेप्रिसिएशन का भी इनको फायदा होगा। और डेफिनेटली वी सजेस्ट मार्केट लीडर एंड आप लुपिन भी रख सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में, और विंडो भी अच्छा स्टॉक है, सिप्ला भी अच्छा स्टॉक है। डॉक्टर रेड्डीज को हम फॉर टाइम बीइंग अवॉइड करेंगे और ये सारी अच्छी कंपनीज हैं जिनका आने वाले टाइम में आपको अच्छा प्रॉफिट बना के देंगी। डेफिनेटली आप सभी कंपनीज को अपने पोर्टफोलियो में नहीं रखते हैं क्योंकि एक रिस्क मैनेजमेंट भी देखना पड़ता है। बाकी कंपनीज भी आपके पोर्टफोलियो में होंगी, अगर आप मनी शिफ्ट भी कर रहे हैं इस सेक्टर की तरफ तो सारी नहीं कर सकते हैं, तो आपको केस टू केस बेसिस इंडिविजुअली अपना पोर्टफोलियो देखना पड़ेगा कितना पैसा आप एलोकेट करना चाहते हैं। और एज अ फर्दर टू रिस्क मैनेजमेंट साइड अगर हम आपको बोलें तो आप अपने पोर्टफोलियो में कुछ फार्मा से रिलेटेड फंड भी रख सकते हैं जिससे आपका जो रिस्क है और भी डाइवर्सिफाई हो जाएगा। अगर आप देखें तो फंड के फार्मा के दो चार फंड्स सेक्टर में ऐसे अवेलेबल हैं जो आपके स्टॉक में अगर आप उसकी थोड़ी सी होल्डिंग भी रख सकते हैं जिससे आपका रिस्क मैनेजमेंट इस पूरे सेक्टर में अच्छा हो जाएगा। तो इसी वीडियो को मैं हम यहीं पे वाइंड अप करेंगे और इस सेक्टर में हमें एज अ होल काफ़ी अपसाइड मोमेंटम हमें दिख रहा है। हो सकता है सन फार्मा अभी यहाँ से थोड़ा और कंसोलिडेट करें, बट अपसाइड स्टॉक्स में अभी और आने का काफ़ी अच्छी अपसाइड आने के स्कोप हैं। वी होप इस वीडियो से आपको काफ़ी हेल्प मिले, आपके इन्वेस्टमेंट डिसीजन से हेल्प मिले। और कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपनी रिसर्च जरूर करें। ये वीडियो हमने एजुकेशन पर्पस के लिए बनाई है और कोई भी वन मोर टाइम अपनी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपनी रिसर्च जरूर करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर करें एंड चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलें जो कि बिल्कुल फ्री है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।